ओरिजिनली ब्रेड एज अ फाइटिंग डॉग, पिटबुल एक परफेक्ट कंपेनियन बन सकता है उनके लिए जो डॉग ओन करना चाहते हैं जो बहुत अफेक्शनेट और लविंग हो। इस डॉग के बैड रेपुटेशन की वजह से बहुत लोग पिटबुल जैसे डॉग ब्रीड को ओन करने से हिचकिचाते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम आज पिटबुल डॉग ब्रीड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पिटबुल के बेसिक से शुरू करते हैं। पिटबुल बेसिकली एक इंग्लिश ओरिजिनेटेड डॉग ब्रीड है जिन्हें 1800 से ब्रेड किया जा रहा है। पिटबुल मिक्स होते हैं इंग्लिश टेरियर्स एंड इंग्लिश बुलडॉग्स के। ये ब्रीडर्स ने इसलिए किया था जिससे कि पिटबुल में इंग्लिश बुलडॉग की स्ट्रेंथ एंड इंग्लिश टेरियर्स की हाइब्रिड ड्राइव हो जिससे ये फाइटिंग के लिए सूटेबल हो। पर्सनैलिटी की बात करें तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट एंड अफेक्शनेट होते हैं एंड दे मेक ग्रेट फैमिली पेट्स टू एंड चिल्ड्रन के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। पिटबुल फैमिली प्रोटेक्टर्स होते हैं लेकिन इनके पास्ट को देखकर लोग इनके प्रोटेक्शन वर्क को एग्रेसिव कंसिडर करना शुरू कर दिए, लेकिन रियलिटी में ये डॉग ब्रीड बहुत ही लविंग है। ये ब्रीड फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, बट पिटबुल एग्रेसिव होते हैं स्ट्रेंजर्स एंड अदर डॉग्स की तरह, सो ये आसानी से किसी भी डॉग के साथ फाइट करना शुरू कर सकते हैं। पिटबुल हाइपर एक्टिव डॉग ब्रीड है एंड इन्हें कॉन्स्टेंट फिजिकल एंड मेंटल स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। पिटबुल एक कॉम्पैक्ट मीडियम साइज डॉग ब्रीड जिसके पास प्रॉपर मसल डेफिनेशन होती है। इनकी कोट शॉर्ट एंड शाइनी होती है एंड वैरायटी ऑफ कलर्स में आते हैं जैसे रेड, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट एंड ब्रिंडल। इनकी टेल मस्कुलर एंड नैरो होती है, शॉर्ट ईयर्स एंड स्मॉल आईज। इनकी हेड बहुत ही ब्रॉड एंड बल्की होते हैं। एवरेज पिटबुल हाइट 21 से 24 सेंटीमीटर एंड वेट 27 से 30 केजीज के बीच में होता है। पिटबुल जैसा कि मैंने पहले कहा बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, सो ये कमांड्स एंड ट्रिक्स बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मेक श्योर अगर आप एक पिटबुल पपी लेते हो तो उसकी डे वन से ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। सोशलाइजेशन एंड ओबीडियंस ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नीड्स है पिटबुल के रियरिंग के टाइम, जिससे डॉग एग्रेसिव ना हो ह्यूमंस एंड डॉग्स के तरफ। पिटबुल स्टर्डी और हेल्दी डॉग होते हैं जिन्हें बहुत कम हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो एक पिटबुल अडॉप्ट करने को तो मेक श्योर पपी को थॉरोली चेक किया जाए कि डॉग को कोई डिजीज है या नहीं। डिजीज जो पिटबुल कॉमनली फेस करते हैं वो है स्किन एलर्जीज एंड डिजेनरेटिव डिजीज जैसे हिप डिस्प्लेजिया। ये डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है पपी स्टेजेस में, बट नेगलेक्ट किया जाए तो डॉग की लाइफ डिफिकल्ट हो सकती है आगे चलकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर बाय अ पपी फ्रॉम एन इररेस्पॉन्सिबल ब्रीडर, चाहे वो आपको चीप या फ्री में पपी क्यों ना दे रहा हो। आप डॉग के पेडिग्री को रियल लाइफ में चेक करो कि कहीं पेरेंट्स एग्रेसिव तो नहीं बिफोर परचेजिंग एनी बुली ब्रीड। और प्राइस की बात करें तो एक पेट शॉप से अगर आप पिटबुल लेते हो तो प्राइस स्टार्ट होगा 20,000 से और जा सकता है 28,000 के बीच। एंड अगर आप ब्रीडर से लेते हो तो प्राइस स्टार्ट होगा 28,000 एंड जा सकता है 35,000 तक। एक क्लिप एंड में शेयर करना पसंद करूँगा यही शो करने के लिए कि सारे पिटबुल्स एग्रेसिव नहीं होते। इन दी एंड देर आर नो बैड डॉग ब्रीड बट बैड ओनर्स। पिटबुल एग्रेसिव नहीं होते, उन्हें बनाया गया है फॉर देयर स्पोर्ट विच इज फाइटिंग, लेकिन ये स्पोर्ट अब मेजॉरिटी कंट्रीज में बैन हो चुकी है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें एंड आपके कुछ थॉट्स अगर शेयर करना चाहते हो देन फील फ्री टू कॉमेंट डाउन बिलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग कॉन्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।